नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें शुरुआत करेंगे इनकी। और आगरा से एक खबर है जहां पर ताजनगरी आगरा में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गांव बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहां आपको बता दें कि एक गांव में बड़ा ही सुंदर नजारा देखने को मिला है, जहां डीजे बजते हुए गीत पर नाचते हुए ये युवा नजर आए और हर उमंग के साथ और उत्साह के साथ इन युवाओं ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यह आपको बताते चलें कि यह नजारा अकोला ब्लॉक के गांव मसेलिया में है। यहां पर जब जन्माष्टमी समारोह होता है तो बच्चे, युवा, महिला, पुरुष और तमाम बुजुर्ग भी इस समारोह में शामिल होते हैं। यहां पर मटकी हांडी प्रतियोगिता में युवाओं की टोलियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही युवाओं का सभी ग्रामीणों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया है। आपको यह भी बता दें कि युवा समाज कल्याण एसोसिएशन की ओर से गांव मसेलिया में जन्माष्टमी समारोह का ही आयोजन किया गया था। सभी ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया और इस समारोह में मटकी हांडी प्रतियोगिता भी हुई। इसमें गांव के किशोर और युवाओं की टोलियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया है। और अब खबर है मिर्जापुर से, जहां पर जनपद की विद्यांचल पुलिस ने लोक जन शक्ति पार्टी के नेता, बिहार के बाहुबली विधायक नरेंद्र उर्फ सुनील पांडे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अपराधियों को आश्रय देने के साथ ही हत्या के षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया गया। यहां आपको बताते चले कि नरेंद्र भोजपुर में तरारी विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार वो समता पार्टी, तो वही 3 बार जेडीयू से भी विधायक बने। इस बीच आपको बता दें कि बाहुबली को गिरफ्तार करने के बाद अब जेल भेज दिया गया है और विंध्याचल के अष्टभुजा मंदिर के नीचे 14 अगस्त को भोजन बनाते समय हुए विवाद में कन्हैया प्रसाद को गोली मारी गई थी। इलाज के दौरान वाराणसी में उसकी मौत हो गई है, जिसके दौरान आपको बता दें कि इसके पूर्व ही वारदात में शामिल 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस वारदात में शामिल बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही है और बाहुबली विधायक से उस दिन पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया गया था। 14 अगस्त 2022 को थाने विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत अष्टभुजा पहाड़ी की तरफ बिहार से आए हुए कुछ दर्शनार्थियों में दो पक्षों में आपस में वाद विवाद एवं मारपीट की घटना हो गई थी। उस दौरान एक व्यक्ति को गोली लग गई थी। इस क्रम में थाना विंध्याचल पर मुकदमा पंजीकृत कर दौरान विवेचना 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था, जिसके क्रम में मिर्जापुर और बिहार में जांच किया जा रहा था। दौरान विवेचना एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है, नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे, सन ऑफ स्वर्गीय कामेश्वर पांडे, जो इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र करने में शामिल रहा है एवं अपराधियों को आश्रय देने में शामिल रहा है। संबंधित धाराओं में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक और बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई। गुरुवार को छापेमारी देर रात तक चली है और सांसद भाई अफजाल अंसारी के घर पर ईडी की टीम देर शाम को वापस चली गई, लेकिन गाजीपुर में मुख्तार अंसारी से जुड़े तमाम लोगों के ठिकानों पर रात के 11 बजे तक ईडी की टीमें जांच करती रहीं। आपको बता दें कि लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीब रिश्तेदार के घर पर यह छापेमारी रात 12 बजे तक चली है और सोमवार को ईडी ने फ्लैट के मालिक और करीबी रिश्तेदार को बयान लेकर तलब किया था। और अब आपको ये बता दें कि बताया ये जा रहा है कि छापेमारी के दौरान ईडी को बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर के साथ साथ 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के भी दस्तावेज मिले हैं।